बच्चे की आवाज तो आपको कंटिन्यू हल्की फुल्की सुनाई दे रही थी, बीच बीच में हवा के साथ आवाज आती थी। हाँ जी जी। लेकिन महिला की जब पहली बार आपको आवाज सुनाई दी तो कितनी देर तक, कितनी बार उनकी आवाज, उनकी चीखें सुनाई देती? बच्चे की रुक रुक कर रही, जब मैं यहाँ पहुंचा लाइट के पे तो दो तीन बार आवाज आई तो महिला शुरू में। हाँ जी। अब बच्चे के बाद में मैंने ये सोचा कि मन की इमरान ये बच्चे की आवाज तो नहीं, या तो कोई झगड़ा हुआ है हाँ। या फिर कोई मर गया है हाँ। इमरान ने कही तो लाठी काढ़ो चल के देखते हैं। तो भाई आपने क्या देखा था यहाँ? जी हम खबर सुन रहे। अच्छा। वहाँ से एक बार बालक की आवाज आई। अच्छा। इमरान बोला कि यार बालक रोने की आवाज आ गए। अच्छा। मैंने कही कि मन की ले चुप लगाया, फोन बंद कर ले। फोन बंद करा तो फिर दोबारा आई। अच्छा। दोबारा के बाद में बालक की आवाज चुप होगी। चुप होगी तो दिल में क्या आया था आपका, ख्याल क्या आया था उस टाइम? कुछ भी नहीं आया जब तक। तो फिर मैं यहाँ से खड़ा होकर इस लाइट के पास गया। वहाँ मैंने जब सुना तो बेरबानी की आवाज आई। मैं बोला बेरबानी की आवाज कैसे आई? मेहरबानी की के इस तरीका सारी के भाई बचाओ, कोई हो तो जल्दी आओ। ऐसी आवाज कहना रही यार। आई मैं यहाँ धूमस हो रही मन की इमरान, या टाइम टी पे धूमस ना हो सके, मन की ठंड पड़ रही, हमारे गांव कोई बालक ना। अच्छा, हमने मेहरबानी की आवाज आपको हल्की फुल्की सुनाई दी थी? सुनाई दी थी। क्या मतलब कानों में आवाज आई आपका? इसके यही तरीका सुनाई जी के कोई हो तो भाई बचाओ, तो बहुत तेज आवाज आने लगी के हमने जानी फिर एक यहाँ घर है आस पास के झगड़ा होगा कोई। अच्छा। या मन की फिर मर गो। अच्छा। इमरान बोलो कि यार सलीम ना बैठ रही है ना हम पे मोटरसाइकिल है जी। मन की फिर बता कैसे करिया ने की लाठी काट। आपने यहीं से रोल क्यों ना मचा दिया? कैसे आप जी, उस टाइम ये तो पता ही ना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ। कदी सु हुयो ना हाँ। और कुछ टाइम नहीं था और फिर रोड के सहारे की बात। हमने तो ये जानी या तो कोई मौत होगी या फिर कोई झगड़ा हो गो है। तो फिर उसके बाद में लाठी काट के जब हम सड़क पे पहुंचे तो असगर अपनी नलकी को लगा रही है, इसकी बेरबानी मिली एक माफिया ताली दे हमको मोटरसाइकिल की। हाँ। उसने कहा होगा मन की एक आवाज आवे बालक रोने की नो को। हाँ। अगले मो को फोन दिखा, मैं बूझू तक वहां में पटक गो हो तो चाबी है। हाँ। वहां रवि रहन खुर्जी जी। तो इतने में एक नू से बहुत तेज मोटरसाइकिल आई थी। अच्छा। तो उसके लिए हमने हाथ दिया। तो फिर मैं बोला जब ना रुका मन की इमरान ऐसा हो सकती है कि झगड़ा हुआ है और ये वो डॉक्टर के लिए जा रहा है। कोई डॉक्टर ले जा रहा है जल्दी जल्दी। मतलब ये बहम था आपके? हाँ जी। अगर ये होता कि मर्डर करके तो आप गिरा देते उनको यहीं पे? हाँ यहीं गिरा देते। मेरे पास लाठी थी और हमारे बराबर में केकड़ा। जो दूसरी मोटरसाइकिल जब स्प्लेंडर आई तो मैंने कही कि रोड पे खाट पटक दे। हाँ। फिर माफी बोली खाट मत पटको, इन ईंट ने पटक दे। हाँ। ईंट भी ना पटकी हम ऐसे खड़े हो गए तो वे रुक गए। मैंने उनसे बोला कि मन की भाई कहाँ रहे हो? उनने कहे पे में रहना। हाँ। मन की यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? बस यहीं से आ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा कि अभी एक आवाज आ रही नोसू, आपन ने कुछ देखा? लेकिन ना यार नो को तो कुछ नहीं है। फिर मैंने नंबर प्लेट मन की इमरान इसके नंबर ले ले, उस पर थोड़ी मट्टी लग रही थी नंबर प्लेट। अच्छा। मैं अगली प्लेट ही नहीं मामे। हाँ। मैं उसे साफ करने लगा तो उनने कही कि आधार कार्ड दिखा दें। उसके बाद में कहने लगे कि ना तो काड़ा पे फोन करके बूझ ले। काड़ा कौन? उन्हें नू ना कही जी के नुमान को है काड़ा। उन्हें यही बात कही जी काड़ा पे फोन करके बूझ ले। हाँ। हम ऐसा आदमी नहीं है। अच्छा, इमरान अच्छा। बोला फिर तो एक आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, जान दो ये नहीं है। फिर वहां से पार हो गए, हम तीन गए। असगर बोला कि यार आवाज इससे भी आती है फरदड़ी के पट्टेन में से। हाँ। तो वहाँ इमरान ने कही कि मैं यहाँ उतार। नहीं, फरदड़ी के पट्टेन में से कैसी आवाज आती है? भूत परेत की? बच्चे की। अच्छा अच्छा। जो आवाज सुनी थी ना हमें, ऐसी लग रही है कितनी घास सुवारी है। हाँ जी, अंदाजा ना पड़ा। तो फिर इमरान बोला कि मेरे को यहाँ उतार दे। ये हमने उतार दिया। एक मन के असगर आगे चल। असगर से मैं बोला कि यहाँ रोक, मुझे यहाँ उतार, आप तो पुल पे पहुंचो। जी। यानी मैं बस उतार के ही थोड़ी आगे खड़ा था जी। तो इतनी में मुझे वे बच्चा दिख गया बैठा जी। बच्चा देखने के बाद में फिर वे लड़की दिखी तो मैंने जानी आदमी पड़ा है। हाँ। मेरे फोन फांस नहीं आया। हाँ। तो आदमी पड़ा है, वे बच्चा हमें देख के रेको आने लगा। मैंने कही कि इमरान जल्दी आ। इमरान मेरे पास तुरंत पहुंचा, याने फोन की लाइट जलाई। फोन की लाइट जलाते ही तो मुझे सापी दी की ये तो पत लगी बेरबानी है। हाँ। सापी दी की मैंने कही कि इसकी तनाड़ कट गई। हाँ। फिर इमरान बोला के इतने मास गला गा के आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर जी कदी से ऐसा मामलो देखो ना और फिर रात को मामलो के इतने टाइम में ही ऐसा हो जानो एकदम से देखनो जी। तो मैं तो कहा कोई और होता तो कहा पतो खड़े होके नहात वहां से जी जी। तो उसके बाद में फिर हम तीनों ही घबरा गए जी। वहाँ खड़े खड़े रह गए, ना तो नू को भगे ना नू को भगे। हाँ। हमने ये भी डर था कि काम हाथों का सती छोड़ गया। हाँ, कभी ऐसा नहीं हो चक्कर आ गए कभी ऐसा कर जाए या फिर हमारी जुम्मे लग जाए, कि बहुत ज्यादा घबरा गए हम। हाँ। सकते रहे।
दिमाग काम करना छोड़ा। हाँ, वहाँ से फिर हम जैसे तैसे आए। हाँ। इमरान तो यहाँ खोखा पाते बांस पकड़ के बैठ गया था। हाँ। हमने की असगर जल्दी गांव में चल, इस बच्चे की जान बच जाए, कदीवा कोई कुछ खावे। इतने यहाँ से हम पहुँचे तो चौक में काफी आदमी मिले। हाँ। वहाँ पिया ने यहाँ से फोन भी कर दिया था। हाँ। तो जब वहाँ मिले तो मन की कोई मोटरसाइकिल आई, उनने कही यहाँ कोई मोटरसाइकिल ना आई। हाँ। वहाँ से फिर हम चार पांच मोटरसाइकिल आई थी, वहाँ जब पहुँचे तो बच्चे रोड पे बैठा था। हमने देख के फिर वे अपनी मम्मी के पास पहुँच गया। इतने में इतना तुम दोबारा गए तो बच्चा रोड के किनारे पा गया। हाँ, रोड पे बैठा था, फिर हमें देख के बच्चा अपनी मम्मी के पास पहुंच गया, चला गया। हाँ, फिर वे मम्मी के कमर पे हाथ करने लगा, उसे क्या पता मरी है या जिंदी है। हाँ। उसके बाद में फिर वे सल्लू का लड़का है, इतना तो बच्चे को बोझ था कि उनकी मम्मी वहाँ पड़ी है। हाँ, हाँ, इतना तो। हाँ, फिर वे कहने लगे, बता रहे कि कुत्ता भी वहाँ मिला था। हाँ, एक कुत्ता जब हम पहुँचे दोबारा तो कुत्ता आया था। अल्लाह की, ताड़ा, अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है, कुत्ते ने बच्चा नहीं खाया। वे मैंने ताड़ा, फिर वे बगदा है, फिर वे दोबारा भी आ गया। जंगली कुत्ता था, जंगली कुत्ता। तीन बार ताड़ा था मैंने, तीसरा के फिर वे भाग गया। वहाँ से चार पांच मोटरसाइकिल पहुंची हमारी पहले। फिर एक लड़का और आया है, वे भी देख के रुका है, वे भी गांव का था। अच्छा, फिर वहाँ के बाद में फिर तो आने लगे, लाइन लगी रही गाँव के हर कोने से। फिर उसके बाद में जब सरपंच पहुँच गया है, एक से बाहर नंबर पहुंची है, फिर सल्लू के लड़का ने कहा कि जी आप कहो तो मैं इस लड़के को उठा लूं। जी, मैंने कहा कि हाथ नहीं लगाना इसके। जी, फिर उसके बाद में मोहे जी कुछ पतना है, मैं अपने यहाँ आ गऊ फार्म पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बच्चे की आवाज तो आपको कंटिन्यू हल्की फुल्की सुनाई दे रही थी बीच बीच में, हवा के साथ आवाज आती थी। हाँ जी जी। लेकिन महिला की जब पहली बार आपको आवाज सुनाई दी तो कितनी देर तक, कितनी बार उनकी आवाज, उनकी चीखें सुनाई देती? या तरीका सही थी कि बच्चे की रुक रुक कर रही, जब मैं यहाँ पहुंचा लाइट के पे तो दो तीन बार आवाज आई तो महिला शुरू में। हाँ जी, वह बच्चे के बाद में मैंने ये सोचा कि मन की इमरान ये बच्चे की आवाज तो नहीं, या तो कोई झगड़ा हुआ है। हाँ। या फिर कोई मर गया है। हाँ। इमरान ने कही तो लाठी काढ़ो, चल के देखते हैं। हाँ। इतने हम रोड पे पहुंचे थे, इमरान भाई लाठी निकाली थी आपने? लाठी नहीं तो रखी जी, यही सलीम लेकर लाठी लेके चले थे। घर बने हुए हैं जी, हुआ मौत हुई हो मन की, या तो कोई मौत हुई या झगड़ा हुआ है। कैसी आवाज आई महिला की? ये इस तरह से यारी भाई कोई आके नहीं बचाओ। हाँ। बस दो चार बार यही कोई जो कंफ्यूजिंग हुई ना, जो कंफ्यूजिंग हुई या टीप है नहाने की वजह से। जी, तो बोला था हमें दांत में अगर टीप है, ये बालक धोमस कर रहे हैं, कैसा इमरान ठंड पड़ रही है कुछ। अक्सर ये बच्चे की आवाज से तो आप ये सोच रहे थे कि शायद वो नहा रहे होंगे बच्चे। हाँ, बैठे रहे। जब महिला की आवाज हल्की फुल्की आई, जब भी इसने यही कही कि टीप है ये धोमस हो रहा है, मन की ना भाई कोई झगड़ा हुआ है या फिर कोई मर गया है। अच्छा अच्छा, मन की चल के देखते हैं। जब ये मोटरसाइकिल निकली है, एक तो पार होगी, दूसरी रोकी है, तुम सुबह हमको तो कोई कुछ। तो महिला की आवाज शुरू में आई होगी, अब लास्ट तक आती रही? लास्ट में आई थी, कि पहले तो बच्चे की आई थी। बच्चे की सियाने कही के या टीप है? नहीं, मेरा मतलब ये है, जैसे महिला की आवाज आई थी एक दो बार। हाँ। उसके बाद फिर भी आई के बीच बीच में? फिर नहीं आई, एक ही बार आई। हाँ, थी बस एक दो बार आई थी जो हम सुन के चल दिए यहाँ से। अच्छा अच्छा, उसके बाद महिला की आवाज नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं आई थी। ठीक है, फिर उन मोटरसाइकिल वाले रोके। इतने तुम लाठी लेके निकले संभले जी, इतने आपको दो बाइक उधर से जाती मिली? जाती मिली, खोखा पहुँच गए हम। ठीक है, इतना खोखा पर जाके रुके, एक बाइक पार होगी, दूसरी हमने रोके। ठीक है, तो दोस्तों ये तो शिनाख्त हो रही है इन ग्रामीणों से कि देखिए ये तो जो इन्होंने सुना जो देखा वो बता रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है कि महिला का जो कत्ल हुआ है वो बिसरू और गुबराड़ी की सीमाओं में ही हुआ है, और जो कातिल बाइक लेकर के भागे थे शायद उन्होंने ये मर्डर किया होगा। अब यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अगर इस गाँव से निकाली जाती तो यहाँ पर इस रोड पे कहीं कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, और अगर कहीं पे कैमरा होगा तो हम कोशिश करेंगे वहाँ से भी कोई फुटेज मिल जाए ताकि उन बाइक वालों को पता लग जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है, और ये सच्चाई हर एक इंसान तक पहुँचनी चाहिए, हर एक अधिकारी तक पहुँचनी चाहिए। ग्रामीणों की भी मांग है, एक सामने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि इनके अंदर एक सदमा सा बैठा हुआ है। दूसरी बात यह कि गांव के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि इनके हाथ पैर काट दिए जाएं और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए, और बहुत जल्दी भारतीय कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये निर्भया कांड से भी एक हीनश क्राइम हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।